हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जनवरी 2024 में जो सीटेट हुआ था उसका है। तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह के नए नए क्वेश्चन पूछे गए सीटेट में, तो वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी जारी रखना है ना। तो नए तरह के क्वेश्चन हैं, आप बने रहिएगा लास्ट तक, है ना। और एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सीटेट जुलाई 2024 देने जा रहे हो, तो हो सकता है कि पैटर्न लगभग सेम आए, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी मैथ्स पैडागॉजी और हिंदी इंग्लिश ईवीएस पैडागॉजी की भी क्लास आएगी, तो बने रहिएगा चैनल पे। पूरे मई में मैं पूरे ईवीएस का कोर्स कंप्लीट करा दूंगी, यानी पूरा मई ईवीएस ईवीएस पैडागॉजी और मैथ्स पैडागॉजी चलेगी क्लासेस, ठीक है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी और बने रहिए। है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या बोलता है वो हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106 और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन सेंटेंस, है ना। जो ये सेंटेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, यानी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन नहीं जा रहा है, ठीक है। पहला क्या सेंटेंस क्या है, सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। सेंटेंस है राइम्स सॉन्ग्स एंड चैंट्स आर ए वे फॉर ए चिल्ड्रन, यानी क्लासरूम में जो राइम्स कराए जाते हैं, सॉन्ग्स कराए जाते हैं छोटे बच्चों को, और चैंट्स कराए जाते हैं, वो क्या है, किस लिए कराए जाते हैं, कहने का क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है। तो क्या ये एक्सटेंडेड वोकैबुलरी के लिए की जाती है? दूसरा है मेमोराइजिंग वर्ड एंड सेंटेंस के लिए कराया जाता है। तीसरा प्रोनाउंसिएशन के प्रैक्टिस के लिए, यानी प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन। और चौथा है इनहेंस एक्सप्रेशन एंड द राइम्स ऑफ द सेंटेंस। तो ये किस लिए कराया जाता है, राइम सॉन्ग्स एंड चैंट क्लासरूम में छोटे बच्चों को, तो ये किस लिए कराया जाता है, इनहेंस एक्सप्रेशन एंड द रिदम ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का रिदम क्या बोलता है ना, क्या इंटोनेशन है उसका, उसके एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम इन सब चीज़ों को कराते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 107 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूजिंग द लाइब्रेरी एट द प्राइमरी लेवल, यानी जो प्राइम लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की बात हो रही है कि लाइब्रेरी को यूज नहीं करने का वॉट पर्पस नहीं है, है ना। क्यों लाइब्रेरी, आखिर लाइब्रेरी किस लिए डिज़ाइन की जाती है, क्यों किसी भी स्कूल में लाइब्रेरी होती है, ठीक है। द लाइब्रेरी शुड नॉट जस्ट बी सीन एज अ स्टोरेज स्पेस फॉर द बुक एंड रेदर, यानी इसके कहने का मतलब है कि लाइब्रेरी क्या है, एक कहाँ जहाँ पर कलेक्शन ऑफ बुक रहती है, आप सभी को पता है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको एक स्टोरेज स्पेस की तरह लाइब्रेरी को नहीं लेना है। लाइब्रेरी में बुक्स अगर रखी है तो उस बुक का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यूटिलाइजेशन का मतलब कि बुक्स जो रखी हुई है उससे आप उसका क्या कर सके, उससे फ़ायदा उठा सके। ऐसे नहीं कि लाइब्रेरी क्या है, एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर एक चारों तरफ से बंद कमरा है जहाँ पे बहुत सारी किताब क्या की है, स्टोर की है और उस स्टोर की गर जा चुकी है और वहाँ से आप कोई भी फ़ायदा नहीं ले पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि नॉट ट्रू अबाउट यूजिंग लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला क्या है, लर्न कैन बी एक्सप्रेस टू ए वेराइटी ऑफ जेनरिक्स ऑफ चिल्ड्रेन लिटरेचर, इट इज़ एन एक्टिव इन्वायरमेंट फॉर एंगेजमेंट विथ द बुक, ये भी सही है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था कि लर्न कैन बी एक्सपोज टू वेराइटी ऑफ जेनरिक ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बाल साहित्य तो वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, है ना, और वहाँ पे अच्छे से आप बाल साहित्य को जाके पढ़ सकते हैं, हाँ इसलिए तो होती है लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी का यूज़ आप कर सकते हो। एक्टिव इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे फॉर एंगेजमेंट विद द बुक, बुक के साथ आप बहुत अच्छे सक्रिय भूमिका निभाकर आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ये भी है, ठीक है। टीचर एंड अदर एडल्ट कैन ऑल्सो बी मॉडल रीडिंग बिहेवियर इन द लाइब्रेरी, यानी टीचर या कोई भी अदर वयस्क की बात हो रही है, बड़ों की बात कर रही है, किया जा रहा है एडल्ट, वो भी क्या कर सकते हैं वहाँ पे बैठ के एक्टिव रीडिंग बिहेवियर शो कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अ
अ रीड अलाउड ऑफ ए टेक्स्ट बुक कैन बी बेस्ट डन इन अ लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप जोर जोर से किसी भी टेक्स्ट बुक को ऊंची आवाज में वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो और वो एक बेस्ट प्लेस माना जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि लाइब्रेरी में किस लिए होती है, जहाँ पर वहाँ पे आप जाओगे तो सभी अपनी अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ पर कोई लाउड रीडिंग नहीं करता है ना। लाइब्रेरी में आप साइलेंट रीडिंग पर फोकस करते हो, लाउड रीडिंग पर फोकस नहीं करते हो। और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था नॉट ट्रू अबाउट यूजिंग लाइब्रेरी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। नंबर का क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मास्टर टू बी लर्न्ड, है ना। कौन सा ऐसा है जिससे आप मास्टरी हासिल कर सकते हो किसी भी लर्निंग के लिए, ठीक है ना। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी से आप किसी भी चीज की मास्टरी कर सकते हो। साइट वोकैबुलरी क्या होती है, जो कि अक्सर आपको देखने को मिलती है। साइट वर्ड आपने पढ़ा होगा। साइट वर्ड क्या होती है, जैसे आप, जैसे लव हो गया है ना, लव हो गया है ना। फिर आप क्या बोल सकते हो, जैसे आप देख सकते हो बर्ड है ना, बर्ड हो गया ठीक है, कैट हो गया, जो आपको अक्सर दिख जाते हैं और देखते ही आप उसकी मीनिंग बता दोगे, उसको क्या बोलते हैं, साइट वर्ड। तो साइट वर्ड एंड पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में कर लोगे तो आप मास्टरी हो जाएगी आपकी लिटरेट, मास्टरी ओवर लिटरेट, यानी मास्टरी आप हासिल कर सकोगे पढ़ने में, ठीक है। अगला है डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव आपका अच्छा हो जाएगा, तब आपको मास्टरी हासिल होगी। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। एक्यूरेसी अगला है एक्यूरेसी एंड फोनोलॉजिकल कम्प्रीहेंशन। फोनोलॉजिकल कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, आपको फोनोलॉजी यानी साउंड से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी समझ है और आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया जिस होगी, तो आप किसी भी, आप मास्टरी इन लिटरेट यानी आप अच्छे वक्ता हो सकते हो, अच्छे पढ़े लिखे साबित हो सकते हो। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से डिकोड कर पा रहे हो, है ना, उसको क्या कर सकते हो अपनी भाषा में, अपने माइंड में उसको क्या कर सकते हो, उसकी मीनिंग को पहले क्या करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, देन आफ्टर उसका रिप्लाई करोगे, वो होता है डिकोडिंग, है ना। डिकोडिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका अच्छा होगा तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक मास्टर लिटरेट यानी मास्टर टू बी लिटरेट यानी लिटरेट होने के लिए एक मास्टरी हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 109 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं हम। बोल रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली, यानी ग्रामर टीचिंग किस तरह से हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं, यानी ग्रामर टीचिंग के लिए कौन सा अच्छा नहीं है ना। अगला है प्रोमोट जेन्युइन कम्युनिकेशन, है ना, रियल कम्युनिकेशन को आप प्रमोट करोगे तो उससे ग्रामर आप अच्छे से ग्रामर टीचिंग नहीं कर पाओगे। एलिट रिलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर रूल को पढ़ा लोगे तब हो पाएगा। प्रोवाइड प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन, प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन के थ्रू आप ग्रामर की टीचिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। लर्नर ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल, यानी ग्रामर को कैसे पढ़ाएंगे, रूल को मेमोराइज करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन क्या, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है ग्रामर टीचिंग के लिए। तो देखिए, प्रमोट जेन्युइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी रियल लाइफ कम्युनिकेशन कराएंगे तो, है ना, संदर्भ में कराएंगे तो आप बढ़िया से ग्रामर पढ़ा सकते हो, है ना। तो ये तो सही होगा। यहाँ पे नॉट हमें देखना है। एलिक्ट रिलेवेंट रूल्स ऑफ द ग्रामर, देखिए ग्रामर पढ़ने के लिए रूल्स भी जरूरी है ना, बहुत, कहाँ आप सब्जेक्ट का, कहाँ ऑब्जेक्ट का है, कहाँ नाउन का यूज करोगे, कहाँ प्रोनाउन लगेगा, कहाँ एडजेक्टिव लगेगा, कहाँ कंजक्शन लगेगा, तो इन सब चीज़ों का रूल आपको पता होना चाहिए। तो ये भी है। प्रोवाइड प्रैक्टिस इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू आप प्रैक्टिस के थ्रू भी ग्रामर सिखा सकते हैं। लेकिन नॉट करेक्ट के लिए पूछ रहा था, तो आप मेमोराइज करके, रट्टाफिकेशन करा के ग्रामर को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते, और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
110 क्वेश्चन क्या बोलता है वो हम देखते हैं, ठीक है। लिटरेसी टीचिंग अप्रोच दैट एम्फसाइज द रिलेशन बिटवीन लेटर एंड साउंड इज, यानी लिटरेसी टीचिंग अप्रोच जो होता है वो किसके रिलेशनशिप पे क्या करता है, फोकस करता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन लेटर एंड साउंड पे लिटरेसी टीचिंग अप्रोच का क्या प्रभाव होता है ये पूछ रहा है ना। तो उससे क्या होगा, आपका होल लैंग्वेज अप्रोच कहेंगे उसको, ग्रामर ट्रांसलेशन कहेंगे उसको, सिचुएशनल अप्रोच होता है या फोनिक इंस्ट्रक्शन होता है। तो देखिए जहाँ पे लिटरेसी टीचिंग अप्रोच वो होता है ना, साक्षरता शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने हिंदी में भी पढ़ाया है कि साक्षरता शिक्षण जो उपागम होता है, उपागम मतलब क्या होता है अप्रोच, वो किस पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, वो लेटर और उसके साउंड पे, यानी किस तरह से किसी लेटर के साउंड का आप यूज करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ए आ एप्पल, बी बा बॉल, इस तरह से लेटर को हम पढ़ते हैं विद साउंड, और साउंड को क्या कहते हैं, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। जिस साउंड की आपको नॉलेज होगी तो उसको बोलते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन के लिए यूज नहीं होता, फोनिक इंस्ट्रक्शन के लिए भी नहीं होता, सिचुएशनल अप्रोच नहीं होता, ये होता होल लैंग्वेज अप्रोच, जहाँ पे आपको लिटरेसी टीचिंग अप्रोच का यूज करते हैं, जहाँ पे लेटर और साउंड के बीच में आपको रिलेशनशिप समझ में आता है और आप यूज करते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोलता है हमसे, अ टीचर इन ए क्लास थर्ड आस्क लर्नर टू आस्क देयर पार्टनर 5 क्वेश्चन अबाउट देयर एबिलिटी यूजिंग द वर्ड कैन, दैट इज कैन यू स्विम स्विम दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन हिंस। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक क्लास थर्ड की टीचर है, वो बच्चों से कहती है कि आप क्या करिए, 5 सेंटेंस बनाइए, है ना, और 5 सेंटेंस पूछिए अपने पार्टनर से, और उस 5 सेंटेंस में किसका यूज करना है, आपको कैन का यूज करना है ना। तो आपको क्या करना है, टीचर के कहने का मतलब है कि हर स्टूडेंट अपने फ्रेंड से क्या करेगा, 5 सेंटेंस पूछेगा, और उस 5 सेंटेंस में क्या होना चाहिए, कैन का यूज होना चाहिए। दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इनहेंस, यानी ये इस टाइप्स की एक्टिविटी किसको बढ़ावा देती है, इन्हें किस लिए होती है ना, ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस के लिए होती है, कंट्रोल ओरल प्रैक्टिस है, फ्री स्पीकिंग है या पैसिव लिसनिंग है, ठीक है। तो पैसिव तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे क्या है, एक्टिव है। एक्टिव कैसे है, हर बच्चा एक दूसरे से क्या पूछेगा कि 5 सेंटेंस बताओ जिसमें सारे सेंटेंस में कैन का यूज किया हो, यानी विद द यूज ऑफ कैन यू विल मेक 5 सेंटेंस, है ना, यहाँ पर ये कह रहा है। तो हर बच्चा कहेगा, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, कैन यू स्विम, कैन यू ड्रिंक, कैन यू ईट, इस तरह करके बच्चे क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, है ना। तो ये है क्या, ये है ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस, जहाँ पे बच्चे अपनी फ्लुएंसी का प्रैक्टिस ओरली करते हैं, वहाँ पे ओरल फ्लुएंसी प्रैक्टिस होती है, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 111 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 112 क्या बोलता है हमें, 112 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि A third grade teacher, यानी कक्षा थर्ड की टीचर है, विश टू एस्टेब्लिश ए रीडिंग कॉर्नर। रीडिंग कॉर्नर यानी वो क्या चाहती है कि बच्चों के लिए एक रीडिंग कॉर्नर को एस्टेब्लिश करना चाहती है, यानी क्लासरूम होता है, जनरल क्लासरूम होता है, वहाँ पर एक कॉर्नर पर वो रीडिंग कॉर्नर एस्टेब्लिश करना चाहती है ना, इन हर क्लास। इन मेकिंग द जजमेंट फॉर सेलेक्टिंग अ चिल्ड्रंस बुक, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कंसिडर फर्स्ट। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो रीडिंग कॉर्नर बनाना चाह रही है अपने क्लासरूम में, तो यहाँ पे कौन सा जो है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कंसिडर फर्स्ट, यानी सबसे पहले किस क्वेश्चन को आप क्या दोगे, मान्यता दोगे, आप उसको कहोगे कि नहीं वो स्टेटमेंट सही है, किस लिए, रीडिंग कॉर्नर बनाने के लिए। यानी रीडिंग कॉर्नर को बनाने से पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, क्यों हम रीडिंग कॉर्नर बनाते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। रीडिंग कॉर्नर का मतलब क्या है, आपको पता हो गया कि ऐसा कॉर्नर जहाँ पे बच्चों के क्या हो, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स रखी रहेंगी, जिससे जिस बुक्स का सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो बच्चे के एज ग्रुप से रिलेटेड हो सकती है, उनके एज के अकॉर्डिंग वहाँ पे बुक रखी रहेंगी, जैसे बहुत सारे बाल साहित्य यानी चिल्ड्रन लिटरेचर रहेगा, बहुत सारे मैगजीन्स रहेंगे जो कि बच्चों के नीड और बच्चों के इंटरेस्ट को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे।
तो पहला ऑप्शन बोलता है द ऑथर ऑफ दिस बुक वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस लिटरेचर, यानी ऐसी ही बुक हम रखेंगे जहां पर वेल नोन ऑथर हो, यानी बहुत जाने माने कवि और लेखक के बुक्स रखेंगे वहां पे, और बहुत ही जिस ऑथर को बहुत रिस्पेक्ट मिला है, बहुत ही आदरणीय जो ऑथर है यानी लेखक है उन्हीं की बुक रखेंगे। तो ये तो क्या हुआ, फिक्स कर दिया गया है ना, यहाँ पे रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। क्या है, आपको जितने भी छोटे बड़े सारे ऑथर के बुक को आपको क्या देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। क्योंकि क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि हर बड़े लेखक जो होते हैं वो अच्छा ही लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लेखक हैं है ना जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं बच्चों के लिए, तो आप उनकी भी बुक रख सकते हैं, है ना। मेन यहाँ पे हमको बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं वो बुक्स, वो हमें देखना है, ठीक है। Are the book written for the independent reader level of the most student in the class? अगला है, will the book help address the goal of the third grade reading curriculum? यानी books ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे जो third grade के जो reading curriculum है उसको fulfill कर रहा होगा। अगला है, will this book appropriate for the use in more than one instructional context? है ना। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर टू क्या दे रहा है कि इंडिपेंडेंट रीडिंग लेवल के लिए होनी चाहिए, यानी हर बच्चा स्वतंत्र होना चाहिए वहां पे जाके बुक्स को ले उठाए पढ़े, है ना। उससे रीडिंग थर्ड ग्रेड के कैरिकुलम फुलफिल हो रहा है उससे नहीं मतलब है कि देखिए थर्ड ग्रेड के कैरिकुलम के लिए, रीडिंग कैरिकुलम के लिए ऑलरेडी टेक्स्ट बुक रहती है हर क्लास में, है ना, तो वो तो है ही, तो उसके लिए तो होगी नहीं। मेन यहाँ पे है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से वहां जाएं और वहां पे अपनी इच्छा से अपनी बुक उठाकर पढ़ सके, इसलिए होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो ऑप्शन जितना ज्यादा बच्चों के फेवर में बोलता है ना वो ऑप्शन ऑलवेज सही माना जाता है, ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है विच मेथड और अप्रोच, यानी कौन सा उपागम, और मेथड का मतलब क्या होता है, तकनीक है ना, यानी विधि इज जनरल गियर टुवर्ड्स द लर्नर मेन गोल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन अ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, यानी कौन सा अप्रोच, कौन सा मेथड रियल लाइफ सिचुएशन का यूज करके हम करते हैं। यानी यहाँ पे चार मेथड दिए हुए हैं, चारों मेथड में से रियल लाइफ एग्जाम्पल किस में, यानी रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, रियल लाइफ सिचुएशन में किस मेथड का यूज करते हैं, क्या नेचुरल मेथड का यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड का करते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच में करते हैं, या ऑडियो लिंगुअल मेथड में करते हैं। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल का यूज, रियल लाइफ सिचुएशन का यूज हम किस में करते हैं, CLT में करते हैं, मैंने पढ़ाया है CLT, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इसको बोलते हैं, और इसी अप्रोच में हम किसका यूज करते हैं, रियल लाइफ का, यानी ऑप्शन नंबर टू विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। रियल कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम क्या करते हैं, रियल लाइफ का यूज करके रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में किसी भी चीज को पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्या बोलता है हमसे, A teacher asks learner to exchange workbook and check their partner work. The objective of this task is to be. टीचर क्या कहती है, बच्चों से बोलती है क्लासरूम में कि आप सभी अपने अपने वर्कबुक को, यानी अभ्यास पुस्तक को क्या करना है, एक्सचेंज करना है एक दूसरे से, और कोई भी अपनी अभ्यास पुस्तक को यानी अपनी वर्कबुक को चेक नहीं करेगा, आपका फ्रेंड, आपका पार्टनर आपके वर्कबुक को चेक करेगा। यानी सारे बच्चे अपने वर्कबुक को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, है ना, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, और सब अपना नहीं चेक करेंगे, दूसरे के वर्कबुक को यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टास्क, यानी इस टास्क को कराने का रियल पर्पस टीचर क्यों कराना चाहती है, इस तरह की प्रैक्टिस क्यों करा रही है क्लास में। गिव प्रैक्टिस इन एक्सटेंसिव रीडिंग, ये एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए प्रैक्टिस करा रही है। गिव प्रैक्टिस इन यूजिंग न्यू वोकैबुलरी को सिखाने के लिए ये करा रही है। गिव कंट्रोल प्रैक्टिस ऑफ द स्ट्रक्चर, यहाँ पे कंट्रोल प्रैक्टिस करा रही है। या डेवलप द स्किल ऑफ पीयर करेक्शन, यानी या पीयर करेक्शन यानी पीयर असेसमेंट के स्किल को बढ़ा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो टीचर के इस ये वर्क कराने का, ये टास्क कराने का पर्पस क्या है कि बच्चे जब एक दूसरे की कॉपी, एक दूसरे के वर्कबुक को चेक करेंगे, तो वहाँ पे पीयर असेसमेंट
वाले जो मेथड है वो यूज होगी और एक दूसरे की गलतियां समझेंगे और गलतियां एक दूसरे की बताएंगे, जिससे क्या होगा कि पीयर असेसमेंट वाला जो सहपाठी मूल्यांकन हम करते हैं, आकलन करते हैं, वो होगा और उससे उनकी स्किल डेवलप होगी, है ना, कि किस तरह से हम किसी चीज़ को करेक्शन करते हैं, है ना, कहाँ कहाँ बच्चे और सारे बच्चे कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलतियाँ करते हैं, ये डेवलप कराना चाहती हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या बोलता है। चिल्ड्रेन इन फाउंडेशनल स्टेज, यानी फाउंडेशनल स्टेज यानी यहाँ पर सबसे लोअर क्लास की क्लासेस की बात हो रही है। फाउंडेशनल स्टेज क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, 5+3+3+4 की बात करते हैं, है ना। तो फाउंडेशनल स्टेज ये होता है, यानी नर्सरी से लेके क्लास 2 तक, यानी पहले नर्सरी आएगी, फिर क्या होती है LKG UKG क्लास 1 क्लास 2, ये 5 होती है और यही है फाउंडेशनल स्टेज, है ना, बेसिक स्टेज इसको बोलते हैं। तो चिल्ड्रेन इन फाउंडेशनल स्टेज आर मोर इंगेज इन लर्निंग, यानी फाउंडेशनल स्टेज के बच्चे कैसे बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, इंगेज कैसे हो पाते हैं लर्निंग में। पहला है बाय सिंगिंग राइम आफ्टर द टीचर, यानी पहले टीचर राइम्स गाएंगी, उसके पीछे पीछे बच्चे गाएंगे। ये ठीक है, ये तो होता है लोअर क्लासेस में। दे यूज मल्टीपल सेंसेस एंड एक्टिवली यूज देयर हैंड, ये भी हो, ये भी सही लग रहा है। दे ट्रेस और राइट लेटर रिपीटली इन देयर नोटबुक और दे फोकस ओनली ऑन डेवलपिंग फाइन मोटर स्किल, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि लोअर क्लासेस के बच्चे सिर्फ फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने पर उनका पूरा फोकस होगा, ये तो नहीं होगा। ट्रेस एंड राइट यानी यहाँ पे कॉपी करना, यानी मैम ने बोर्ड पर लिखा और उसको वो नोटबुक में क्या कर रहे हैं, एज इट इज क्या कर रहे हैं, उतारने का काम कर रहे हैं, तो इससे भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 1st एंड 2nd में आपको देखना है कि कौन होगा। देखिए, राइम्स टीचर के पीछे पीछे तो बच्चे करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि राइम्स के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे दे रहा है कि यूज मल्टीपल सेंसेस, यानी जो 5 सेंस ऑर्गन है हमारे, आई ईयर, है ना, नोज, टंग, स्किन, ये सब जो है हमारे 5 सेंस ऑर्गन, उसका तो यूज करते हैं बच्चे, और 5 सेंस ऑर्गन का यूज करेंगे तो बच्चे पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे, है ना, और पूरी तरीके से क्या रहेंगे, बच्चे अलर्ट रहेंगे एंड एक्टिवली यूज देयर हैंड, और अपने हैंड का भी यूज करके, है ना, राइम्स बच्चे गाते हैं तो हैंड का भी यूज करते हैं, तो इस तरीके से बच्चे क्या होंगे, ज्यादा इंगेज हो जाएंगे लर्निंग में और बहुत अच्छे तरीके से उनकी लर्निंग होगी। क्योंकि प्याजे भी क्या बोलते हैं कि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, छोटे बच्चे का स्टेज क्या होता है, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनका पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे किससे सीखते हैं, सेंस और मोटर एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं। तो यहाँ पे यूज देयर हैंड यानी मोटर एक्टिविटी का भी यूज हो रहा है और यहाँ पे सेंस का भी यूज हो रहा है, तो दोनों के यूज होके ये सीख पाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 116 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 से आई गिव माय वर्क एट ए फाइनल चेक फॉर द एक्यूरेसी बिफोर सबमिटिंग इट टू द टीचर, यानी मैं जो भी वर्क करता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ, उसको सबमिट करने से पहले, यानी टीचर के पास क्या करना है, जमा करने से पहले मैं उसको एक बार फिर से अब खुद से क्या करता हूँ, सरसरी निगाहों से एक बार खुद चेक करता हूँ, उसके बाद ही मैं जाके सबमिट करता हूँ। यानी कॉपी को सबमिट करने से पहले, कॉपी को मैं टीचर के पास देने से पहले एक बार पूरी अच्छी तरीके से सब कुछ चेक कर लेता हूँ कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है कॉपी में, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, ये सब देखता हूँ। ये है क्या, द स्टूडेंट इज वर्किंग एट द राइटिंग स्टेज, यानी बच्चा ये सब कर रहा है, यानी बच्चा किस राइटिंग स्टेज में है, क्या वो ड्राफ्टिंग कर रहा है। ड्राफ्टिंग देखिए बहुत स्टार्टिंग में होती है ना, ड्राफ्टिंग यानी ब्लूप्रिंट तैयार करना, तो ये तो नहीं होगा। रीड्राफ्टिंग ये भी नहीं होगा। प्रूफ रीडिंग इसको बोलते हैं ना। पीयर इवेल्युएशन की यहाँ पे कोई भी बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सहपाठी, कोई भी पार्टनर की बात नहीं हो रही है, वो अपना खुद अपने वर्क को खुद से चेक कर रहा है, एक तरीके से वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, उसके बाद ही जाके टीचर को दे रहा है, यानी इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, है ना, पढ़ के समझ के तब जाके टीचर को दे रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं, यानी
रीड्राफ्टिंग भी नहीं होगा और ड्राफ्टिंग भी नहीं होगा, सिंपली ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, है ना। चलिए नेक्स्ट 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है हमसे, विच अप्रोच और मेथड डज नॉट इनकरेज लर्नर टू यूज देयर नेटिव लैंग्वेज इन अ नेटिव लैंग्वेज इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। लैंग्वेज क्लासरूम यानी भाषा शिक्षण की क्लास हो रही है, वहां पे कौन सा ऐसा मेथड है जो कि जिसमें आप अपनी मदर टंग का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कोई लैंग्वेज आप सीख रहे हो और उसमें विदाउट यूज ऑफ मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते उस लैंग्वेज को पढ़ने टाइम, तो ये किस मेथड में होता है? क्या वो नेचुरल अप्रोच है, क्या वो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, क्या वो ऑडियो लिंगुअल अप्रोच है, क्या वो डायरेक्ट अप्रोच है? तो हमने क्या पढ़ा है कि डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट अप्रोच ऐसा मेथड होता है जिसपे हम टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं, टारगेट लैंग्वेज जिस लैंग्वेज को आप सीखने जा रहे हो, लर्न कर रहे हो। दो तरह के लैंग्वेज होते हैं, मैंने पढ़ाया है, एक होता है लैंग्वेज 1 और दूसरा होता है लैंग्वेज 2। ये होता है लैंग्वेज 1 जो कि आपके घर के एनवायरमेंट से आपने सीखा है, जिसको हम एक्वायर करते हैं, है ना, एक्वायर करते हैं अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस वे में। लेकिन ये जो होता है ये नया लैंग्वेज होता है जो आपके घर का एनवायरमेंट ने, जिसको आप लर्न करते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है, जिसको हम क्या सीखते हैं घर के एनवायरमेंट से, आपको पता ही नहीं चलेगा, नेचुरल वे में आप सीख जाते हो। लेकिन इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को हमको सीखने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, एफर्ट के थ्रू हम इंग्लिश सीखते हैं, और इंग्लिश हमारा क्या है, टारगेट लैंग्वेज है ना, और ये है हमारा मदर टंग लैंग्वेज यानी मातृभाषा। तो इसमें क्या है कि जब हम टारगेट लैंग्वेज को सीखेंगे यानी इंग्लिश को जब सीखेंगे, तो हिंदी का विदाउट यूज 1% भी हिंदी का यूज नहीं करेंगे। सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश में ही बातें होंगी, इंग्लिश में ही लिखना होगा, है ना, इंग्लिश में ही क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। तो ये मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष विधि की बात हो रही है। 118 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। अ टीचर इज प्लानिंग टू कलेक्ट अ वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होती है, जिसके थ्रू हम क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, यानी टीचिंग एड की बात हो रही है। फॉर हिज क्लास 2 स्टूडेंट, है ना, तो क्या कर, एक टीचर है वो क्या चाह रही है, वो प्लान कर रही है कि बहुत सारे टीचिंग मटेरियल को मैं कलेक्ट करूँ अपने बच्चों के लिए, जिसके थ्रू उनकी जो लर्निंग हो वो क्या हो, इफेक्टिव हो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी TLM का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, है ना। तो कौन सा यहाँ पे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट क्रिटेरिया फॉर चूजिंग TLM, यानी TLM को चूज करने का कौन सा क्रिटेरिया यानी कौन सा मकसद सही नहीं है, यानी क्या कौन सा वे सही नहीं है TLM को चूज करने का, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है हमसे, द मटेरियल चूजन शुड बी अट्रैक्टिव एंड सेफ फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दिस एज ग्रुप टू यूज, यानी बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि बच्चे उसको देख के आकर्षित हो और उसको पढ़ उसके थ्रू जब आप क्लासरूम टीचिंग करो तो बच्चों को मजा आए, ठीक है, और सेफ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा डेंजर मटेरियल आप लेकर आ गए, आप डॉग पढ़ा रहे हो तो डॉग को ही लेकर आ गए क्लासरूम में, तो ये कोई सही मटेरियल नहीं होता है, सेफ होना चाहिए, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये तो सही है। द मटेरियल चूजन शुड प्रोवाइड एडवोकेट अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विथ क्यूरियसिटी, बिल्कुल सही है, मटेरियल ऐसा रहना चाहिए ताकि हर बच्चे को क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले एक्सप्लोर करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, और उनकी क्या बढ़े, क्यूरियसिटी बढ़े, ठीक है ना, उत्सुकता बढ़े, ये भी सही है। मटेरियल शुड बी चूजन बी प्रिफर्डली लोकली मेड और लोकली अवेलेबल एंड दिस वुड अलाउ फॉर द ईजी रिप्लेसमेंट, यानी क्या बोल रहा है कि ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसको हम ईजीली क्या कर सके, लोकली मेड हो, यानी आपके आस पास से वो मिल जाए और ईजिली क्या कर सके, आप आस पास में उसको रिप्लेस भी कर सके, उसकी जगह दूसरा लेकर आ सके, ये भी सही बात बता रहा है। यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट देखना था, तो ये तो 3 सही हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही सही नहीं होगा। क्या बोल रहा है वो एक बार पढ़ते हैं, तो मटेरियल चूजन शुड बी मेड, यानी मटेरियल शुड बी मेड बाय द चिल्ड्रंस ओनली एंड हैव सम रफनेस टू अवॉइड स्लीपरनेस,
ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि मटेरियल जो भी होना चाहिए ना वो सिर्फ बच्चों ही के द्वारा बनाया होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मटेरियल TLM होना चाहिए, चाहे वो बच्चे बनाए, चाहे वो टीचर बनाए, या आप बाजार से खरीद कर लाए, है ना। अब जैसे आपको ग्लोब पढ़ाना है, ग्लोब में पूरे बहुत सारे पूरे वर्ल्ड को दिखाना है, बहुत सारे आपको महासागर को दिखाना है, तो वो हाथ से नहीं बन पाता, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ओनली चिल्ड्रेन ही नहीं बनाएंगे, कोई भी बना सकता है। तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट बोल रहा था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 119 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। टू क्रिएट एन इंक्लूसिव वेलकमिंग एंड जॉयफुल इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट एवरी चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन इन अचीविंग द कॉम्पिटेंसी आउटलाइन इन अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF कैन बी बेस्ट डन बाई, यानी NCF 2005 आप बोलो या NCF के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है, क्लासरूम को क्या बनाना है आपको, इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी क्लासरूम बनाना है, जहाँ पे हर बच्चे का स्वागत हो, जॉयफुल इन्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सपोर्ट एवरी चाइल्ड, जहाँ पे हर बच्चे को सपोर्ट मिले, है ना, अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्या बोला जा रहा है बेस्ट माना जाएगा ऑप्शन, है ना, जो कि इन सारे जितने भी यहाँ पे वर्ड दिए है ना, ये सारे पॉजिटिव वर्ड है, जैसे इंक्लूसिव हो गया, वेलकमिंग हो गया, जॉयफुल इन्वायरमेंट हो गया, सपोर्ट एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेशन हो गया, यानी हर बच्चे को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इस सारे चीज को सपोर्ट करने वाला आपको स्टेटमेंट इसमें से खोजना है। कंडक्टिंग इंडोर एक्टिविटी एंड अवॉइड देम फॉर आउटडोर एक्टिविटी इन स्कॉर्सिंग हीट, यानी तपती धूप से बचाने के लिए बच्चों को आउटडोर वाली एक्टिविटी नहीं कराना है, हमें इंडोर एक्टिविटी कराना है, ठीक है। अगला बोल रहा है मेजरली फोकस ऑन लर्नर गुड्स हेल्थ एंड वेलबींग, यानी बच्चे के हेल्थ पर ध्यान देना और उसके वेलबींग पर ध्यान देना। Displaying children work from a different domain of the development, और अगला है decorating the classroom for the colorful environment, ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि क्लास को डेकोरेट कर दो कलरफुल environment से, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चे जो है वो कलरफुल environment को देख के और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जो ये है ना displaying children work from different domain of the डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे इस तरह का आपको सिचुएशन, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे जो भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे फिजिकल डोमेन हो गया, कॉग्निटिव डोमेन हो गया, इमोशनल एंड सोशल डोमेन हो गया, इन सब चीज़ों को फुलफिल करने वाले आपके वर्क होने चाहिए। और हमारा NCF क्या करता है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे तभी बच्चे क्या फील करेंगे, इंक्लूसिव फील करेंगे, जॉयफुल एनवायरनमेंट होगा, सबको लेके चलना है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा था, देखिए इंडोर और आउटडोर गेम से कोई मतलब नहीं है ना, फोकसिंग और लर्नर गुड हेल्थ और वेलबींग भी सिर्फ फिजिकल और उसके हेल्थ से रिलेटेड है, ओवरऑल डेवलपमेंट कराना है और यही इसी को सपोर्ट करता है NCF, ठीक है। 120 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल और टेक्स्ट बुक डिजाइन एट द फाउंडेशनल स्टेज, यानी फाउंडेशनल स्टेज, यानी फाउंडेशनल स्टेज की मैंने बात करी, लोअर क्लासेस की बात हो रही है ना, क्लास 1-2 इन लोग की बात हो रही है। तो उसमें जब आप टेक्स्ट बुक डिजाइन करोगे, पुस्तक डिजाइन करोगे, है ना, पाठ्य पुस्तक डिजाइन करोगे, तो किस चीज पर आप फोकस करोगे और किस पे नहीं करोगे, यानी यहाँ पे किस प्रिंसिपल पर आप फोकस नहीं करोगे, तो करिकुलम प्रिंसिपल पे आप करोगे, है ना। प्रेजेंटेशन किस तरह से आप बुक को, टेक्स्ट बुक को प्रेजेंट कर रहे हो ये भी होना चाहिए, बुक्स में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वो भी करोगे, लेकिन जो कॉन्क्रीट जो मूर्त प्रिंसिपल होता है, मूर्त सिद्धांत पर आप फोकस करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये तीनों प्रिंसिपल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा कि कॉन्क्रीट प्रिंसिपल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट ऑप्शन, यानी कैरिकुलम प्रिंसिपल, प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉट पूछा था, है ना, नॉट प्रिंसिपल ऑफ टेक्स्ट बुक डिजाइन, ठीक है। चलिए अब हम आज की क्लास यहीं तक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।